जय हिंद दोस्तों, वी एट त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी लखनऊ इन टुडे सीरीज वुड वांट टू कवर द लेटेस्ट ऑन इजराइल हमास वॉर। एज यू हैव ऑलरेडी सीन दैट दिस वॉर हैज ड्रॉन अटेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी ऑल्सो इन फ्यू वीडियोज हैव कवर्ड अबाउट इजराइल हमास वॉर, हाउ इट स्टार्टेड एंड वॉट हैज बीन द रिएक्शन ऑफ इजराइल on Hamas in particular and Palestine and other actions in general. The expert with us is Major General SK Singh, our veteran of the academy, and I'll request you to like, subscribe and share this video on whichever platform you have been seeing. So General Sahab, jaisa ki humne samacharon mein suna hai aur ये पढ़ा है कि देयर हैज बीन सम ब्रेकथ्रू इन द इजराइल हमास वॉर एंड व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन दिस। जय हिंद व्यूअर्स, जैसा कि ब्रिगेडियर यूके सिंह ने बताया कि देयर इज अ ब्रेकथ्रू इन द ऑनगोइंग इजराइल हमास वॉर। अभी आपने इससे पहले वी आर क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव सीन आवर प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड ऑन द त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड यू मस्ट बी अपडेटेड। उसके बाद तो युद्ध चलता रहा था, बेसिकली टनल वॉरफेयर का होता रहा था, लेकिन अभी एक हाल फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज टाइप का एक डेवलपमेंट हुआ है। इसमें व्हाट हैज हैपेंड इज एक्चुअली देयर इज अ प्रपोजल व्हिच वाज ऑलरेडी टॉक्स वेयर गोइंग ऑन बिटवीन द यूएसए एंड कतार and other countries, Arabic countries, Arab world countries, for the release of hostages, because that is the main issue actually, because jab tak ki wo nahi hota hai, this otherwise this war will continue. So that has been the main this thing, and usme there has been a breakthrough, usme mila hai, and there is likely it has been proposed that about 50 Israeli होस्टेजेस जो हैं उनको रिलीज किया जाएगा, और वो भी एक बार में इकट्ठे नहीं किया जाएगा, उसकी भी कुछ शर्तें हुई हैं जो एक प्रपोजल जो अभी दिया गया है। हालांकि अभी इस पे कोई दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस इस टाइप का नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रपोजल ही है अभी कि रोज 10 इजरायली होस्टेज रिलीज किए जाएंगे तो एक दिन का युद्ध विराम। तो इस तरीके से 50 होस्टेजेस रिलीज किए जाएंगे और उसके बदले में इजराइल क्या करेगा, सिर्फ सीजफायर ही दोनों तरफ से नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पे 300 फिलिस्तीन जो कि इजराइल के पास हजारों में फिलिस्तीन कैप्चर्ड हैं, उनके जितने भी टेररिस्ट जो लिंक्ड अप थे, जो जो दंगा फसाद करते थे, उन इजराइल की जेलों में है, तो उनको रिहा किया जाएगा 50 के बदले 300 फिलिस्तीन। दूसरी शर्त जो चीज दी जा रही है कि 300 ह्यूमैनिटेरियन एड वाले जो ट्रक्स हैं, जो कि अभी मुश्किल से 10 कभी 15 कभी 20 ही आ पा रहे हैं साउथ गाजा में, तो उनको 300 ऑफ दोज ट्रक्स विल बी अलाउड बाय इजराइल टू एंटर इन साउथ गाजा एज पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एड, सो दैट वहां पर जो भी जनता है जो भूखों मर रही है उनकी कुछ ही हेल्प की जा सके। तो एक वो चीज है, सो 10-10 होस्टेज रिलीज करेंगे, उसके बदले में 60-60 ये रिलीज किए जाएंगे, 50-60 फिलिस्तीनी, और पहले दिन के बाद जब ये रिलीज होंगे इसके बाद भी स्टडी किया जाएगा इसमें कहीं कोई सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई इसको उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, देयर आर नो पार्टीज, बोथ द पार्टीज आर हियर नॉट वायलेटिंग, तो ये धीरे धीरे उसी हिसाब से मॉडिफाई होते हुए तो उम्मीद की जा रही है। आई मीन दिस प्रपोजल हैज बीन सेंट टू द इजराइल एंड इजराइल नेतन्याहू हैज ने अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, कैबिनेट मीटिंग में इसका अप्रूवल भी दे दिया गया है। बिकॉज अगर देखिए जितनी भी जनता अभी तक जो मारी जा चुकी है दोनों साइड से, उसमें फिलिस्तीनी जनता को ज्यादा नुकसान हुआ है, और जबकि वॉर है बिटवीन इजराइल और हमास, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और मेन कॉज अगर इसका युद्ध विराम करना है तो वो काफी प्रेशर है नेतन्याहू के लिए, जितने भी होस्टेजेस जो 240 हमास के पास हैं उनको रिलीज कराया जाए। नेतन्याहू के पास
प्रेशर रिलीज कराने का भी है और उन्हीं की अपनी जनता का भी प्रेशर है कि आप जो है झुक क्यों रहे हैं जब आपकी लड़ाई हमास के खिलाफ चल रही थी, तो वाई आर यू एक्सेप्टिंग दिस? सो दैट प्रेशर इज, सो दोनों तरफ से प्राइम मिनिस्टर की जो है उनकी थोड़ी हालत खराब है. तो फाइनली ही हैज एक्सेप्टेड दिस एंड लेट्स होप सो. अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बट क्वाइट श्योर विद इन एक दो दिन में, एक दिन में ही मैं तो समझता हूँ कि शायद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो अगर अगर जैसे ये ब्रेक थ्रू होता है तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या हम किसी खास समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, युद्ध की समाप्ति होगी, या फिर जैसा कि इजराइल ने बताया था कि वो इस बार बहुत ही कड़े शब्दों में, कड़े एक्शंस में जवाब देगा, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी वहाँ के नेतन्याहू जी, इसराइल के नेतन्याहू जी ने बतलाया था कि हम हमास को ख़त्म करके रहेंगे, ये युद्ध तभी समाप्त होगा. हालांकि उनके ऊपर प्रेशर जो 240 होस्टेजेस का था वो तो है ही, उन्होंने सोचा था कि शायद हम अपने दम पर उनको रिलीज करा सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और जहाँ तक देखिए युद्ध हमास के खिलाफ की बात है कि बिल्कुल खात्मा करेंगे, ये एक टर्मिनल ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया है जो कि बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. हर एक टेररिस्ट हमास को खत्म करना ये कोई मजाक की बात नहीं है, इसमें लंबी लड़ाई का खेल है. तो अगर लेकिन एक वायो मीडिया इसमें निकल आए जो कि अब जो ये प्रपोजल गया है, तो अगर ये प्रपोजल ठीक ठाक अगर रहा, 5 दिन का ये जो युद्ध विराम अगर रहा और 50 इधर से और 300 प्लस 300 ही, तो उसमें क्या होगा कि एक एक सेट पैटर्न हो जाएगा और उम्मीद है कि आगे भी जो है ये पैटर्न चलता रहेगा एंड सो दैट एक कंटिन्यूअस युद्ध विराम हो जाएगा, बिकॉज युद्ध विराम होना जरूरी है. और देखिए एक चीज समझनी होगी कि युद्ध विराम इज युद्ध विराम, मतलब इट इज नॉट द एंड ऑफ द वॉर, इट इज अ सीज फायर. सीज फायर मींस कि अभी हाल फिलहाल लड़ाई टेम्परेली रोकी जाती है. अब इसका फायदा देखिए दोनों लोग उठाएंगे. जहां तक हमास का सवाल है, इन्हीं 5 दिन में भाई वो भी चाहेंगे कि रीग्रुप, क्योंकि लड़ाई उन्होंने भी खत्म नहीं करी है अपनी तरफ से इसराइल के खिलाफ. वो लोग रीग्रुप करेंगे क्योंकि उनके भी काफी कैजुअल्टीज हुई है, उनके टॉप लीडर्स मारे गए हैं. और इधर जो है इसराइल भी पूरी तैयारी करेगा कि उनके बैलेंस ऑफ होस्टेजेस कहाँ कहाँ पर छिपे हैं, बिकॉज दे हैव ऑल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरियस टनल्स. साथ ही टनल्स का क्या अभी नेटवर्क रह गया है, कितना जो अभी तबाह नहीं किया गया है, और साथ ही उनके कहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं, कहाँ एग्जिट पॉइंट्स हैं. तीसरी चीज, ईच एंड एवरी हमास जहां तक हो सकेगा उनको मॉनिटर सर्वेलेंस पर रखा जाएगा कि कहां पे रीग्रुपिंग हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ये निकल के सिविल आम जनता के लिबास में पहनकर एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स द साउथ गाजा, वो भी बच के निकलना चाहेंगे. तो ये एक एक इंसान को, एक एक आदमी को जो है वहां पे मॉनिटर करके ही जो भी सिविलियंस जा रहे हैं साउथ गाजा में वो भी किया. तो ये दोनों तरफ से इस युद्ध विराम का इस तरीके से मेरे विचार में इसका फायदा उठाया जाएगा और सतर्कता बरती जाएगी. बट इफ इट इज सक्सेसफुल, आई मीन इट्स अ गुड स्टेप एटलीस्ट. इट्स अ लॉन्ग गोइंग वॉर, ऑलरेडी 47 डेज हो चुके हैं, एंड ऑफ द 7th वीक होने वाला है, तो एक पॉजिटिव स्टेप है. तो उम्मीद करते हैं इफ दिस इज सक्सेसफुल आगे भी इट शुड बिकम सक्सेसफुल. एंड लास्टली पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक वॉर बिटवीन इसराइल एंड हमास है, even if all the hostages are released, that war will continue. It will be an unending thing. May not be through this scale, jaise ki abhi hai, but otherwise this will continue so that Hamas ki sari capabilities ko khatam kiya jaye, jisse in future they can never kya kehte hain, himmat kar sake Israel ke upar dobara se isi tarike ka attack karne ka aur inko dhoka dene ka. So thank you very much, sir, and let's hope that thank the you. Peace prevails. And yes. With this, this will be a, and we'll keep covering the Israel-Hamas war and anything major happening, you'll be able to see us on the video. Thank you very much. Thank you. Jai Hind, viewers. Jai.